हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी ए का सैंपल पेपर। 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उसी के लिए सैंपल पेपर है जो कि ऑफिशियली रिलीज किया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम हिंदी ए का सैंपल पेपर। तो मैंने अपने वीडियो मैंने अपने चैनल पे क्लास 10 के सारे सैंपल पेपर्स के वीडियो बना दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके सारे सैंपल पेपर्स को देख सकते हैं कैसे सैंपल पेपर्स आए हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप इजीली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू। और आप देख सकते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं, और एट द एंड ऑफ वीडियो आप ज़रूर बताएं कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, ईजी, मॉडरेट या हार्ड, कुछ भी आप ज़रूर कॉमेंट करें। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कॉमेंट करके पूछें कि और क्या आप अगर आप किसी और सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और आप बीच बीच में अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे सैंपल पेपर दिखा रहा हूँ, साथ ही साथ आप अगर पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से। और मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चंस, तो आप बीच में वीडियो पॉज कर करके सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। और इस साल जो सिलेबस रिड्यूस हुई है उसी पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आपको आइडिया जरूर लग जाएगा कि आपके बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। यानी ये जो सैम्पल पेपर है, चूंकि ये सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया है, तो कुछ इसी प्रकार का पेपर आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में भी आएंगे। तो आप इन सैम्पल पेपर्स को जरूर से सॉल्व करें और प्रॉपर सीटिंग के साथ सॉल्व करें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो बोर्ड एग्जामिनेशन में। आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को टाइम पे ख़त्म कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, टाइम मैनेजमेंट आप कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर वीडियो में अगर क्वेश्चंस फास्ट दिख रहे हैं तो आप स्लो कर सकते हैं, इसकी स्पीड को स्लो करके आप देख सकते हैं, या फिर बीच में पॉज कर करके क्वेश्चंस को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ये अभी सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, सारे अभी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो अब यहाँ से व्यवहारिक व्याकरण यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी ने व्याकरण अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, व्याकरण का पार्ट स्कोरिंग पार्ट होता है हिंदी में। ये ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित 5 भागों से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। तो आप इन सारे ऐसे जो क्वेश्चंस दिए हैं आप ऊपर, इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी सैंपल पेपर आपको आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रीड करें। और जहाँ भी ऐसे आपको लिखे कि 5 भागों में से 4 का आंसर देना है या 4 में से एनी 3 का आंसर देना है, तो वहाँ पे आप पेंसिल से मार्क कर सकते हैं ताकि आपको एक याद हो जाए, एक रिमाइंडर सा लगे कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, गलती से बहुत सारे लड़के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, इनमें उनका टाइम ख़राब होता है। आपको नंबर तो 5 ही मिलने वाले हैं, मतलब कि 4 ही मिलने वाले हैं। सॉरी, यहाँ से पाठ्य पुस्तक यानी आपके बुक में से सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस।
और ये जो आपका सप्लीमेंट्री बुक है वहाँ से ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा भी है, पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक दोनों से ही क्वेश्चन है, आपके जो पाठ्य पुस्तक है और जो पूरक पाठ्य पुस्तक है दोनों से ही क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन दो दो मार्क्स के, यहाँ पे आपको लिखा गया है 25 से 30 शब्दों में और यहाँ पे लिखा गया है 60 से 70 शब्दों में, और यहाँ पे दो प्रश्न हैं जिसके तीन तीन मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो इस पे आपको 40 से 50 शब्द में लिखना है, तीन क्वेश्चन हैं। अब लेखन है, लेखन भी ये 20 मार्क्स का टोटल है, तो एक अनुच्छेद लिखिए, निम्नलिखित में से दिए गए एक को चूज कीजिए और उस पे आप लिखिए, और यहाँ पे अथवा अथवा करके दिया गया, यानी ये सारे क्वेश्चंस ऑप्शनल हैं, या फिर ऊपर वाला करें या नीचे वाला करें, ठीक है। तीनों क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के हैं। तो ये था गाइस हिंदी का सारा क्वेश्चंस, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस ईजी लगे होंगे, आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सैंपल पेपर के साथ, या फिर मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर, अधिकतर मैंने क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर के वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाके इजीली चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।